वोट गिराने आए हैं। क्या मुद्दा रहा? विकास है या कुछ और? विकास है। विकास के नाम पे वोट देंगे आप? विकास है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? प्रसाद देवी। प्रसाद देवी जी, बताइए किन मुद्दों के साथ आई हैं वोट डालने के लिए? विकास। नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। अभी हम पूर्णिया के रुपोली विधानसभा के अंतर्गत गोड़ियारी मिडिल स्कूल पे हैं। जी हाँ, यही वो स्कूल है जिस स्कूल में अभी से कुछ देर पहले भगदड़ भी हुई थी, लेकिन अभी वोटिंग प्रक्रिया भी जारी है और जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके निकले हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दा रहा है इस बार का चुनाव में, उपचुनाव में। एक बार दिखाइए आप, देखिए क्या नाम हुआ आपको? लक्ष्मी महतो। लक्ष्मी महतो। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो नारा चुनाव आयोग का था, पहले मतदान फिर जलपान, तो आप क्या जलपान करके आए या पहले मतदान किए हैं? मतदान किए हैं। क्या मतदान किए हैं? आप जाइएगा जलपान कीजिएगा तभी। क्या करते हैं आप? खेतीबाड़ी काम करते हैं। खेतीबाड़ी का काम करते हैं। उसके बाद घर से जब आप निकले तो क्या दिमाग में चल रहा था कि किन मुद्दों के साथ आप यहाँ आए? उसको चाहे उसको वोट दिए, विकास होना चाहिए। क्या मुद्दा रहा? विकास का मुद्दा रहा या क्या सोच करके आए? क्या सोच करके आए? हाँ, विकास। हाँ, विकास। कहाँ आई हैं? वोट गिरा। वोट गिरा। क्या नाम है? क्या नाम है? मंजू देवी। देखिए और महिला है, इनसे जानते कहाँ आई है? कहाँ आई है? वोट गिराने। क्या किन मुद्दों के साथ आई हैं? क्या दिमाग में चल रहा है वोट जो जाएंगे गिराने के लिए? वोट गिराने आए हैं। क्या मुद्दा रहा? विकास है या कुछ और? विकास है। विकास के नाम पे वोट देंगे आप? विकास है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम कुमारी। नीलम कुमारी। क्या किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे आप? भाई सब वोट गिराए। खाना खाना उना खाए कि नहीं? हाँ, खाए। खा लिए हैं। अब यहाँ से जाइएगा वोट डाल के जाइएगा ना? हाँ, वोट डाल। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उसको क्या करना? उसको भेजाएंगे, आएगी वोट गिरा जाएगी। अच्छा, आप क्या नाम हुआ आपका? प्रसाद देवी। प्रसाद देवी जी, बताइए किन मुद्दों के साथ आई हैं वोट डालने के लिए? विकास। क्या अभी आप वोट गिरा लिए? नहीं गिराएंगे। आप गिराइएगा। क्या क्या नाम हुआ आपका? सियाराम महतो। सियाराम महतो। ये बताइए कि किन मुद्दों के साथ आए हैं वोट गिराने के लिए? देखिए अभी हम कुछ लोगों से बात किए, उन लोगों का साफ कहना था वोटर्स का कि हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास का मुद्दा ही इस बार हावी रहा रुपोली उपचुनाव में। अभी हम जिस स्कूल में हैं और दूसरे बूथ पे जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, उसका रुझान जानेंगे कि उसका इशारा किस ओर है। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अंकित कुमार, छाती एक रिपोर्ट।